ये इलाके वाइज हमें जज किया जाता है, तो ये जो जजमेंटल होती है सोसाइटी, उससे फीमेल जर्नलिस्ट को यकीनन बहुत मुश्किलात होती हैं। जर्नलिज्म है क्या बेसिकली? सच को सच कहना, गलत को गलत कहना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम नहीं कह पाते हैं। नाउ द न्यू प्लेटफॉर्म इज सोशल मीडिया। तो अगर न्यू पैशनेट जर्नलिस्ट आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो वो डिजिटल जर्नलिज्म को परस्यू करें। माय नेम इज़ हिना दीदार और मैं AIY न्यूज़ के साथ एज न्यूज़ रिपोर्टर एसोसिएटेड हूँ। 2018 में मैंने हम न्यूज़ ऑफिशियली ज्वाइन किया था एज जूनियर रिपोर्टर। मेरा जो बेसिकली ओरिजिनली ताल्लुक है वो हुंसा से है। काफ़ी सोशली एक्टिविस्ट रही हूँ मैं, गाइडिंग के उसमें भी मैं काफ़ी सोशल इशूज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जर्नलिस्ट बना जाए, और फिर घर वालों से मैंने डिस्कस किया कि मैं जर्नलिज्म का हिस्सा बनना चाहती हूँ, जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। फिर मास कम्युनिकेशन परस्यू किया मैंने कराची यूनिवर्सिटी से। बींग अ फीमेल जर्नलिस्ट, अगर मैं मेल जर्नलिस्ट से कंपेयर करूँ तो हम ज़्यादा वल्नरेबल फील करते हैं ख़ुद को। एक तो जजमेंटल बहुत है हमारी सोसाइटी, तो वो रिपोर्ट करने में हमें डबल मुश्किलात का सामना होता है। मर्द हजरात का जो प्रेशर आता है, जो वो देखने लगते हैं, उनकी इवन स्टेयरिंग ही बहुत मुश्किल होती है, और एक फीमेल जर्नलिस्ट घबरा जाती है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने इसी घबराहट की वजह से जर्नलिज्म क्विट भी किया है, इस प्रोफेशन को इनिशियल स्टेज पे ही क्विट किया है। तो एक फीमेल जर्नलिस्ट पाकिस्तानी सोसाइटी में होना मतलब बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। व्हेन आई जॉइन दिस न्यूज़ इंडस्ट्री बैक इन 2018, तो इट वॉज़ अ डाउनफॉल। तो सम हाउ आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि जब मैं आई तो सैलरी में कट लगने लगे, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो न्यूज़ इंडस्ट्री को आने लगी थी। तो इवन मैं भी हेजिटेट हो गई थी कि वेदर मैं आगे की जो ईयर्स है मेरे करियर के मैं स्पेंड करूँ ना करूँ, बट आई डिड। मैंने 3 ईयर्स गुजार लिए। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर मास कॉम परस्यू करके आ रही हैं, आई वुड से कि नाउ द न्यू प्लेटफॉर्म इज़ सोशल मीडिया। देखिए, हरासमेंट हर किस्म के होते हैं। एक सेक्शुअल हरासमेंट होता है, एक ऑफिस के माहौल में जॉब हरासमेंट होती है कि वर्क के रिलेटेड होती हैं, ऐसा नहीं है कि अब नहीं होती हैं। जितने भी हम ओपन हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, लोगों को पता चला है, अब भी लड़कियां हरास होती हैं, हर लिहाज से होती हैं। अगर एक बंदा आपको ज़्यादा अप्रोच करने लगे, आपके पीछे आगे पीछे होने लगे, आपके आगे पीछे का एटमॉस्फेयर ऐसा बना दे, तो दैट इज़ कॉल्ड हरासमेंट एंड स्टिल इट हैपन्स। वैसे तो मैं मैरिड नहीं हूँ, आई एम सिंगल, शादी के लिए अभी वक्त बाकी है, लेकिन आई हैव सीन गर्ल्स के जिन्होंने शादी की है। जो रिपोर्टर थी वो इनडोर वर्क में आ गई हैं, डेस्क में आ गई हैं, वो एडिटर्स बन गई हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स बन गई हैं, क्योंकि एक लड़की होकर फीमेल जर्नलिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने ससुराल के साथ साथ अपने जॉब की जिम्मेदारियाँ भी, वो भी ज़्यादातर जो फील्ड में एज रिपोर्टर, उसे कंटिन्यू कर सकें। तो बहुत चैलेंजेस होती है जिसकी वजह से वो फिर शिफ्ट करने पे आ जाए। लेकिन ऐसी बहुत सी और भी फीमेल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मैनेज किया, क्योंकि हर चीज़ में प्रॉब्लम्स तो हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन ये कि किस में कितनी हिम्मत है, किस में कितना स्टैमिना है उसे ओवरकम करने में। अभी बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो वाकई में डिसअपॉइंट होके दूसरे करियर में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं। अब ये कहें फाइनेंशियल इशू, क्राइसिस भी हैं, इस वक्त की तो बातें फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। इस वक्त आपकी सैलरी या प्रमोशंस भी नहीं हो रही है, इंक्रीमेंट्स भी नहीं लग रहे हैं, तो अब किसी हद तक पैसे नहीं हैं। लेकिन ये कि अगर जिसने ज़्यादा टाइम गुजारा है, वक्त गुजारा है, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनको फिर भी ऑफ़र मिल जाती है। COVID-19 की वजह से मैं सिर्फ फीमेल जर्नलिस्ट की बात नहीं करूँगी, ओवरऑल जर्नलिस्ट जो है उन सबको काफ़ी चैलेंजेस का सामना हुआ। पहले तो ये कि जब पेंडेमिक इंट्रोड्यूस हुआ, तब सबके अंदर एक पैनिक, खौफ था कि अब काम कैसे करेंगे, अगर मुझे लग गया तो मेरी फैमिली को भी लगेगा। सिर्फ जर्नलिज्म का प्रोफेशन था और हॉस्पिटल्स कहेंगे कि वो काम अपने मामूल के हिसाब से कर रहे थे। तो एक डर और खौफ के साथ ये पूरा जो पीरियड गुजरा है, 2 साल तकरीबन हो गए इस पेंडेमिक को, काफ़ी मुश्किलात हुई, काफ़ी लाइक मेंटली डिस्टर्ब रहे। लेकिन ये कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप हर हाल में हर डिज़ास्टर के दौरान आपको काम करना पड़ता है। मैं अगर जर्नलिस्ट हो, एक प्रोमिनेंट चैनल में काम कर रही हूँ, इवन ऑफिस आवर अगर आप 8 आवर्स ऑफिस को दे रहे हैं, घर जाके भी यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट फॉर द ऑफिस वर्क। हम घर पे भी जाके ना व्हाट्सएप चेक कर रहे थे, ओ खबर आ गई, ऑफिस से कॉल आ गई, घर में फैमिली वाले कहते हैं कि बेटा हमें भी तो टाइम दे दो, हम नहीं है आपके साथ साथ, सिर्फ काम ही करना है।
तो मतलब हमारे काम का जो मोड है वो ऐसा है कि हमें 24 आवर्स हमेशा अपने काम की दुनिया में ही रहना पड़ता है, तो दोस्ती यारी फ्रेंडशिप फैमिली वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ यस होती है। क्यों लड़कियां शादी के बाद क्विट कर जाती हैं, क्यों लड़कियां शादी के बाद फील्ड में काम करना छोड़ देती हैं, ताकि उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। न्यू टैलेंट को ये मैसेज देना चाहूँगी कि चार्म पे मत जाएं, कितना ग्लैमरस लगता है टीवी में आना, बिकॉज हमारे टाइम पे भी हमें लगता था बहुत ग्लैमरस है, आगे बहुत कुछ है, लेकिन अपने स्किल्स पे काफ़ी मेहनत करें, मल्टी टैलेंटेड हो जाएं। आपको वन मैन शो बनना है, हर चीज़ आपको सीखनी है। ऐसा नहीं कि इफ़ यू आर गुड लुकिंग तो आपको जॉब मिल जाएगी, नो, आपको हर चीज़ आनी चाहिए।